बेटा मलेरिया आपने सुना होगा, और इस समय अगर आपको पता होगा तो मलेरिया की जो मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, उसका इस्तेमाल कोविड से बचने के लिए किया जा रहा है। तो मलेरिया जो शब्द है वो मैला एरिया से आया है। मैला माने जानते हैं गंदा, एरिया माने एयर। ऐसी डिजीज जो गंदे हवा से होती है उसे मलेरिया कहते हैं, लेकिन आपको पता होगा गंदी हवा से तो होती नहीं है। इसका जो पैथोजन है वो प्रोटोजोवा का है, क्योंकि प्रोटोजोवा का है तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि प्रोटोजोअल डिजीज है। अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें, पैथोजन देखें, इसमें दो तीन तरह के पैथोजन है। अगर आप देखें, ये तो मलेरिया डिजीज का नाम हो गया। जैसे इसका पहला पैथोजन है, अगर आप नाम देखें तो इसका पहला पैथोजन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये पहला वाला हो गया। ये देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो इसका नाम हो गया प्लाज्मोडियम मलेरी, ये इसका दूसरा टाइप हो गया। मतलब ये सब पैथोजन के नाम हैं जिनसे इन्फेक्शन होते हैं और हमें मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। लेकिन इनसे जो मलेरिया होता है वो नॉर्मल होता है। जो तीसरा वाला है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं उसको अलग लिख रहा हूँ। आप देखिए एक पैथोजन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जीनस स्पीसीज आप सारी चीजें जानते ही हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये खतरनाक वाला है। ये जो है ये खतरनाक है। अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर करना है, इट काजेज मैलिग्नेंट एरिया मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। ये देखिए इससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, एनसीईआरटी कहती है। और ये मलेरिया काफी फैटल होता है, जो घातक होता है, जान ले लेता है व्यक्ति की। तो ये मलेरिया के टाइप हो गए। मलेरिया माने गंदी हवा से जो होता है, लेकिन गंदी हवा से होता नहीं है। इसका जो मेन कारण है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। अगर आप चाहें तो एबीसी लिख लें, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसमें सबसे खतरनाक ये वाला एनसीईआरटी कहती है। वेक्टर अगर आप देखें तो ये वेक्टर जो है इसका वो फीमेल मॉस्किटो है, मतलब फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से आपको फीमेल मॉस्किटो के सेलाइवरी ग्लैंड में ये पड़े रहते हैं। कौन पड़े रहते हैं ये लिखा हुआ है, ये जो पैथोजन है ये पैथोजन है, ये वेक्टर है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है। तो अगर आप देखें तो आप चाहे ये बात पहले लिख दें, नीट में इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहली बात जहां शुरू करेंगे, नीट जी 2020 में पहला क्वेश्चन आया, ये देखिए जो क्वेश्चन क्या आया था, ह्यूमन गेट्स इट्स इन्फेक्शन, मैं एनसीईआरटी लाइन लिख रहा हूं, ह्यूमन गेट्स इट्स इन्फेक्शन बाई बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो, बाई बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो इन, पिन चेंज कर देता हूं क्योंकि यही पूछा गया है तो मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए। इन स्टेज का नाम देखिए, स्पोरोजॉइट स्टेज, ये देखिए स्पोरोजॉइट स्टेज, यही इस साल नीट में पूछा क्वेश्चन। मतलब चार नंबर आपके जेब में सिंपल्स रखे गए हैं कि मनुष्य को किस फेज में इसका इन्फेक्शन होता है, ये नीट 2020 भी पूछा गया, ये देखिए। और ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है। कितने सरल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप समझ जाएं। तो आइए इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, कैसे मनुष्य और फिर इस प्लाज्मा जो है फीमेल मॉस्किटो में पहुंचता है। ये देखिए एनसीईआरटी ने इसका एक फिगर बनाया हुआ है, ये यहाँ पर उसने मनुष्य का ऐसे ऐसे आप हाथ बना दीजिए, ऐसे ये मान लीजिए मनुष्य का हाथ है। एनसीईआरटी ने यही से शुरू किया है, कैसे किया है, बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो, कोई फीमेल मॉस्किटो आपको आके काटती है, फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि वही काट सकती है, मेल काट ही नहीं सकता है, उसके पास बाइटिंग अपराटस ही नहीं है। इन्फेक्शन किस स्टेज में हो रहा है, ये देखिए स्पोरोजॉइट स्टेज में, इसी स्टेज में मॉस्किटो आपको काट रही है और आपको इन्फेक्शन हो गया, यही पूछा ही गया स्पोरोजॉइट स्टेज वाला। ये देखिए जब स्पोरोजॉइट स्टेज इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरा स्टेप देखिए, ये देखिए ये ह्यूमन लीवर है, ये देखिए ये लीवर है, इसी लीवर में
ये खास तरह की सेल्स हैं जिनका नाम आरबीसी है, इन्हीं आरबीसी के अंदर आके ये हमारा जो पैथोजन है ये इंटर कर जाता है। ये देखिए यहां पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मतलब ये हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये हुआ, चाहे आप इसी बात को और क्लियर कर लें, यहां पर ये मल्टीपल फिशन करता है। मल्टीपल फिशन मतलब डिवाइड एंड रीडिवाइड, किसके अंदर लिखा हुआ है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर ही मल्टीपल फिशन करता है मतलब इसमें माइटोसिस लगातार होती है। अगर आपको और क्लियर करना है क्लियर कर लें, माइटोसिस होती रहती है और इसी आरबीसी के अंदर पड़ा रहता है। अब जिस आरबीसी के अंदर ये इन्फेक्शन किया है उसी आरबीसी के आगे की लाइफ साइकिल देखिए, ये आरबीसी है और जब मल्टीपल फिशन हो जाता है तो ये देखिए इस आरबीसी से निकल के ढेर सारे ये जो प्लाज्मोडियम है बाहर आते हैं, न्यूबॉर्न प्लाज्मोडियम होते हैं। इसमें जो अनबॉर्न ये देखिए एक खास तरह का रिजल्टेंट बाहर आता है जिसे हीमोज्वाइन कहते हैं। हीमोज्वाइन जो है अनडाइजेस्टेड हीमोग्लोबिन है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर जिस समय ये मल्टीपल फिशन करता है आरबीसी के अंदर उस समय एज ए न्यूट्रिएंट ये हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करता है। जिस दिन आरबीसी ब्रेक करती है, जैसे ये आरबीसी रप्चर करती है मतलब जिस आरबीसी के अंदर ये रहता है आरबीसी रप्चर करती है और ये ब्लड के प्लाज्मा में आते हैं, कौन ये प्लाज्मोडियम, उसी दिन फर्स्ट सिम्टम आता है मतलब जो फीवर आता है ये आरबीसी जिसके अंदर ये कौन है, पहली बात तो आप बार बार लिखे ये आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर जब ये ब्रेक करती है आरबीसी तो निकल के बाहर आते हैं और जैसे ही निकल के बाहर आते हैं तो हमें पहली बार फीवर आता है। फिर समझ लें ह्यूमन को ये मच्छर काटता है, काटते फीमेल मॉस्किटो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद ये सीधे लीवर पहुंचते हैं क्योंकि लीवर में इनके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। लीवर में लगातार मल्टीपल फिशन करते हैं आरबीसी के अंदर, ये एक तरह का एसेक्सुअल फिशन है। फिर वो आरबीसी ब्रेक कर जाती है, जब आरबीसी ब्रेक कर जाती है तो ये देखिए ये निकल के बाहर चले आते हैं, अभी भी ये एसेक्सुअल फिशन करते रहते हैं और ये ढेर सारी संख्या में हो जाते हैं। अब ये नॉर्मल आरबीसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये जब फटती है आरबीसी निकल के बाहर के ब्लड के प्लाज्मा में आते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में आते हैं तो उस दिन पहली बार फीवर आता है, मतलब यहां से लिखिए यहां तक ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब आप आगे देखें इनमें गैमेटोजेनेसिस हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और दूर कर लें, ये देखिए कौन सी जेनेसिस हो जाती है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब अब अगर आप सोचिए गैमेटोजेनेसिस मान लीजिए हुआ इनमें माइटोसिस और मियासिस शुरू हो गई, सॉरी मियासिस हो गई, गैमेटोजेनेसिस शुरू हो गई। अब ये देखिए इसमें एक गैमेट बनता है जिसे हम लोग मेल गैमेट कहते हैं, ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यहां पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन कौन सा हो रहा है, सेक्सुअल, कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल। लीवर तक जब तक ये आरबीसी के अंदर थे तब तक ये एसेक्सुअल कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही गैमेटोजेनेसिस शुरू हो गई मतलब यहां पर मियासिस शुरू हो गई, अब ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करना शुरू कर दिए। अब ये देखिए ये जो गैमेट्स हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं, लेकिन इन गैमेट्स को आप यहां से फीवर ऐसे जोड़ देंगे, ये देखिए इन गैमेट्स को आप यहां लिखेंगे, यहां पर कंफर्म कर लें गैमेट्स के बारे में क्या हम क्या लिखना चाहते हैं, इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। इन गैमेट्स को फिर से फीमेल मॉस्किटो आपको जब कट करेगी, आपको बाइट करेगी, सॉरी जब बाइट करेगी तो ये गैमेट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे। मतलब अगर आप समझें तो अब जो प्रोसेस हो रही है गैमेट का फॉर्मेशन तो मेल की बॉडी मतलब ह्यूमन की बॉडी में हो रहा है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल मॉस्किटो बॉडी में हो रही है। मतलब आप चाहें तो यहां से लाइफ साइकिल को ऐसे बांट दें। ये देखिए ये जितना केस हो रहा है ये सब ह्यूमन की बॉडी में हो रही है, गैमेट की फॉर्मेशन भी ह्यूमन की बॉडी में हो रही है, लेकिन गैमेट का जब इंजेस्ट हो जाएगी तो ये देखिए होगा क्या, फर्टिलाइजेशन यानी इंटेस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट
एंड डेवलपमेंट इन इंटेस्टाइन। ये देखिए इंटेस्टाइन, अब ये किसकी बॉडी में हो रहा है? आप कहेंगे सर ये फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में हो रहा है। गैमेट को फीमेल मॉस्किटो उठाएगी, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहां पे होगा? उसके इंटेस्टाइन में होगा, फीमेल मॉस्किटो के। और फिर देखिए यहां पर फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं मूव इनटू सिलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो डेवलपमेंट के बाद ये सिलाइवरी ग्लैंड में फिर से चले जाएंगे, कौन? प्लाज्मोडियम। किसके सिलाइवरी ग्लैंड में? फीमेल मॉस्किटो के। ये देखिए ये सिलाइवरी ग्लैंड में फिर से चले जाएंगे, साइकिल कंप्लीट कर दीजिए। जब आप साइकिल कंप्लीट कर देंगे फिर से फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी और फिर से लाइफ साइकिल चलेगी। मतलब इधर का जो लाइफ साइकिल है ये मॉस्किटो के बीच, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर हो रहा है। इधर का जो बॉडी हो रहा है ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर हो रहा है। अब बताइए इसके पास कितने होस्ट हैं? दो है। इन्फेक्शन से लेकर गैमेट फॉर्मेशन तक की प्रोसेस ह्यूमन की बॉडी में हो रही है। फर्टिलाइजेशन से लेकर स्पोरोजॉइट के फॉर्मेशन की व्यवस्था मॉस्किटो की बॉडी में हो रही है। क्योंकि इसमें दो वेक्टर हैं इसलिए इस तरह के लाइफ साइकिल को हम लोग डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। कौन सी लाइफ साइकिल कहते हैं? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जहां पर दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट, यहां पर देखिए यहां पर दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट यहां पर कौन है? ह्यूमन है। जिसे इन्फेक्शन होता है, नुकसान पहुंचा होता है, नुकसान पहुंचता है उसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं, ह्यूमन है। और यहां पर जो सेकेंडरी होस्ट है वो जो है फीमेल मॉस्किटो है। वेक्टर का भी काम कर रही है और ट्रांसफर का भी काम कर रही है, लेकिन फीमेल मॉस्किटो को कभी मलेरिया नहीं हो रहा है। फिर से एक बार आप साइकिल समझ लें, जब ये फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करती है तो आपके हाथ में इसका इन्फेक्शन, मतलब हाथ में दिखाया गया कहीं भी कर सकती है। तो स्पोरोजॉइट फॉर्म स्टेज में आपको इन्फेक्शन होता है, फिर ये लीवर में पहुंचता है, वहां आरबीसी के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है। लीवर से आगे चल के ये आरबीसी जब ब्रेक कर जाती है तो बाहर आता है, तब हमें सिम्टम आते हैं। इससे मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, जिनको दूसरी कोई फीमेल मॉस्किटो ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब इंजेस्ट करती है। वहां पर उसके इंटेस्टाइन में इसका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, इंटेस्टाइन से मूव करके ये सिलाइवरी ग्लैंड में जाता है। फिर जब आपको फीमेल मॉस्किटो काटती है तो फर्दर आपको इसका इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या है? ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। अगर आप देखें इसका जो ट्रीटमेंट है यही तो दवा है जिसका इस्तेमाल इस समय साइंटिस्ट जो है या डॉक्टर्स जो है कोविड में कर रहे हैं। ये देखिए ये दवा है, दवा का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति फिर से ठीक हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है इस डिजीज का। ये दूसरी बैक्टीरियल डिजीज आप क्या सर प्रोटोजोन डिजीज है, पहले मलेरिया थी, और दूसरी जो प्रोटोजोन डिजीज है उसका नाम अमीबिक डिसेंट्री है या एनसीईआरटी से अमीबोसिस लिखा है, ये दूसरी है, ध्यान रखिए इसका। दो ही प्रोटोजोन डिजीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई है। अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें किससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है इसका, पैथोजन का अगर आप नाम देखें तो इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका पैथोजन है और ये प्रोटोजोआ है, इसी से इन्फेक्शन हो रहा है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन अगर देखें किस रूट से हो रहा है इन्फेक्शन, तो ये देखिए इन्फेक्शन का पहला तरीका है कि हाउस फ्लाइज जो हैं ये इसके मैकेनिकल कैरियर हैं। आपने विद्यापालन का प्रचार देखा होगा, या अगर आपके घर में कोई घरेलू मक्खी है तो आप ये मत, जब आपके यहाँ घर में आती है तो ये मत मानिए सिर्फ वो टहलने आती है। वो जिस ह्यूमन को इसका इन्फेक्शन है अगर उसके फीसिस पे बैठी है, फीसिस समझ रहे हैं आप, उसके फीसिस पे बैठी है और फिर आपके आगे खाने बैठ गई तो आपको इन्फेक्शन आपके खाने में हो जाएगा, फिर आप उसको खाएंगे तो आपको इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हाउस फ्लाई इसका मैकेनिकल कैरियर है, पहली तरीका यह है। दूसरा थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर बाई फीकल मैटर। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन है, ये देखिए फीकल मैटर लिखा है,
किसी व्यक्ति को इस अमीबाइसिस है तो उसके फीकल मैटर में ये चला जाता है, कौन ये एंटोमीबा जो हिस्टोलिटिका है उसके फीसेस पे चला जाता है, और अगर वो फीसेस आपके खाने में या पानी में आ गया, आपने उसे खा लिया, तो आपको इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में अगर आप देखें क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले लिखिए इट अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, इट अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, इट अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात दिमाग में सेट करिए कि लार्ज इंटेस्टाइन को हमारे नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो इसमें मस्कुलर क्रम्स होते हैं, मस्कुलर क्रम्स होते हैं, बहुत ही तेजी से पेट ऐंठता रहता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ये देखिए, और म्यूकस जो होता है, म्यूकस विथ ब्लड क्लॉट्स, म्यूकस विथ ब्लड क्लॉट्स मतलब जो फीसेस आते हैं उनमें ब्लड के क्लॉट आते हैं, ये देखिए, फीसेस विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट होना चाहिए, मतलब जो फीसेस आते हैं ब्लड क्लॉट आते हैं, उसका कारण ये है कि इंटरमीबा हिस्टोलिटिका कभी भी आप देखेंगे ना तो ये आरबीसी को इंजेस्ट किया रहेगा, मतलब ये आरबीसी को खाता है, आरबीसी को इंजेस्ट करता है, इसलिए जो फीसेस बॉडी से बाहर आते हैं उनमें ब्लड के क्लॉट होते हैं। ये फीसेस ब्लड क्लॉट कहाँ दिखाई पड़ेंगे आपको, ये आपको फीसेस पे दिखाई पड़ेंगे। तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन है तो आप कहेंगे सर जो है इसका ये डिसेंट्री हो रही है हमें, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका एक ही है, यूज ऑफ मेडिसिन, ये देखिए मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तभी आप ठीक हो पाएंगे, और नहीं तो कोई चांस नहीं है, यूज ऑफ मेडिसिन, ये देखिए। इसके सिवा और कौन कौन से प्रोटोजोन डिजीज है जो आपको पढ़नी है, अगर आप इसके सिवा और भी प्रोटोजोन डिजीज जानना चाहते हैं तो एक इसे दो चार मैं नाम आपको सिखा देता हूँ, मान लीजिए आप इसे मान लेते हैं, तो एक है डिजीज जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, आपने पढ़ा ही ऑलरेडी स्लीपिंग सिकनेस, ये देखिए ये स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रा रोग अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे निद्रा रोग कहते हैं, अफ्रीका के लोगों को होता था, निद्रा रोग कहते हैं इसे, लोग सोते बहुत है इसमें, स्लीपिंग सिकनेस में लोग सोते हैं, तो ये एक तरह का जो है ये भी प्रोटोजोअन डिजीज है। अगर आप इसके पैथोजन को देखें, पैथोजन को जिससे इन्फेक्शन होता है, पैथोजन को देखें तो उसका नाम है सीसी फ्लाई, ये एक तरह का इंसेक्ट है सीसी फ्लाई, अगर इसका साइंटिफिक आपने देखें तो इसका नाम है ग्लासिना पेल्पेलिस, ग्लासिना पेल्पेलिस ये एक इंसेक्ट है जिसके काटने से फैलता है। सीसी फ्लाई क्या है, फ्लाई लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि इंसेक्ट है, ये देखिए इंसेक्ट है, इसके काटे से फैलता है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स अगर आप इसका देखें तो इसका सिम्टम ये है कि स्लीपिंग, रात दिन आदमी सोता ही रहता है, स्लीपिंग होती है लगातार आदमी सोचता है, कहां पे होती है मेरे, ये अफ्रीका में आपको देखने मिल जाएगी, ये देखिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं इसको, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। एक और है, नाम देख लिया, इसे डमडम फीवर कहते हैं, डमडम जो है ये कोलकाता में एक जगह है जहां पर इसे देखा गया था, इसे काला अजार कहते हैं, काला अजार इसलिए कहते हैं कि कोलकाता के आसपास काला जादू चलता है, शायद इसलिए काला अजार कहते होंगे। डमडम एक जगह है जहां पर ये फीवर सबसे पहले देखा गया, कलकत्ता के पास, इसलिए इसको डमडम फीवर कहा जाता है। अगर आप इसका पैथोजन देखें, अगर आप इसका पैथोजन देखें तो इसका जो पैथोजन है वो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये इसका पैथोजन है, ये देखिए पैथोजन इसका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है। अगर आप इसका वेक्टर देखते हैं, मतलब जिससे ये फैलता है, तो ये बालू में पाई जाने वाली मक्खी है, इसका नाम है सैंड फ्लाई। अगर इसका साइंटिफिक नाम देखिए आप, तो इसका साइंटिफिक नाम फ्लीबोटोमस है, इसके काटने से इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स अगर आप देखें, सिम्टम्स तो
इसमें व्यक्ति को बहुत ही हाई फीवर आता है, हाई फीवर आता है और कभी कभी हाई फीवर कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। ये है खतरा इसके साथ। इसके से और भी प्रोटोजून डिजीज है। अगर आप एक नाम देखें, देखिए फीमेल्स को एक प्रॉब्लम होती है, ये एक प्रोटोजोआ है, इसका नाम है ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस ये प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस एक प्रोटोजोआ है। ये एसटीडी है, इससे एसटीडी होती है। एसटीडी मतलब अगर आप देखें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये फीमेल्स को मेनली, ये ज्यादातर एवरेज फीमेल्स के वेजाइना में पाया जाता है, फीमेल्स के वेजाइना में पाया जाता है और इसका इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है। मतलब आप ये समझें किस तरह से ये तमाम तरह के जो है फीवर है, एक खास तरह सारी ये जो है फीवर है डमडम फीवर। मैंने बताया कि डमडम कहाँ पे है, ये कल कोलकाता में कोई जगह है डमडम, वहां पर एयरपोर्ट का नाम भी नाम, एयरपोर्ट का भी नाम है, सबसे पहले वहां देखा गया, इसलिए इसको डमडम फीवर कहते हैं। तो आपको अगर आपको एनसीईआरटी केवल पढ़नी है तो आप केवल इसको याद कर लें, उन सबको छोड़ दें, लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो प्रोटिस्टा चैप्टर में पढ़ाया गया। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा चैप्टर में इनका जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में दिया गया है, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने के हिसाब से आपको एक बार इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, कहीं पर भी किसी तरह से कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है।